खबर लातेहार से है, जहां जेजेएमपी के एरिया कमांडर सतेंद्र उरांव ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर लातेहार से हम आपको बता रहे हैं, लगातार सरेंडर किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो सक्रियता उनकी नजर आ रही है। जेजेएमपी एरिया कमांडर सतेंद्र उरांव ने सरेंडर कर दिया है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार बता दें कि जेजेएमपी एरिया कमांडर सतेंद्र उरांव उर्फ अभिमन्यु उर्फ मामा ने झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत लातेहार एसपी अंचनी अंचन कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी, द्वितीय कमान अधिकारी विनोद कुमार कनौचिया और 11 बटालियन सीआरपीएफ के अध्यक्ष के समक्ष माफ कीजिएगा आत्मसमर्पण उन्होंने किया है। और सतेंद्र उरांव ने कबूल किया है कि 19/9 को लातेहार थाना के हुए ग्राम नावाडी के जंगल में पुलिस मुठभेड़ में वह शामिल था। उस घटना में एक बड़े पदाधिकारी शहीद भी हुए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जेजेएमपी एरिया कमांडर सतेंद्र उरांव ने सरेंडर कर दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर लातेहार से संवाददाता नितेश बने हुए हैं। नितेश, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आज जेजेएमपी के एरिया कमांडर सतेंद्र उरांव ने उर्फ अभिमन्यु उर्फ मामा ने पुलिस के सामने हथियार रख दिए हैं। इसमें आज अंजनी अंजन पुलिस अधीक्षक और कमांडर वेद प्रकाश त्रिपाठी के सामने आत्मसमर्पण किया है। वहीं सतेंद्र उरांव कबूल किया है कि लातेहार थाना अंतर्गत नावाडीह के जंगल में पुलिस मुठभेड़ में मुठभेड़ किया था, जिसमें वह शामिल था और एक बड़ी पदाधिकारी को उन लोगों ने हत्या किया था। चलिए नितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लातेहार से नितेश, उन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन से दिखा रहे हैं लातेहार की, जहां जेजेएमपी एरिया कमांडर सतेंद्र उरांव ने झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत लातेहार एसपी अंजनी अंजन कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी, द्वितीय कमान अधिकारी विनोद कुमार कनौचिया, 11 बटालियन सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सतेंद्र उरांव ने वहीं कबूला है कि 29/9/2021 को लातेहार थाना के क्षेत्र में हुए ग्राम नावाडी के जंगल में पुलिस मुठभेड़ में वह शामिल था। और उस घटना में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बड़े पदाधिकारी शहीद भी हुए थे। स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों के साथ। झारखंड की राजनीति में इन दिनों वायरल वीडियो और हनी ट्रैप का मामला गरमाया हुआ है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का वीडियो वायरल कर झारखंड में अश्लील राजनीति की शुरुआत कर दी। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह हनी ट्रैप का शिकार होते होते बचे, लेकिन एक